Hey friends, let's have a look at my new painting of the day. सबसे पहले मैंने कैनवस के बॉर्डर पे ये वाइट टेप लगाई ताकि जब पेंटिंग मुकम्मल हो जाए मैं इस पे वाइट टेप को उतार दूं तो ऑटोमेटिकली एक बॉर्डर सा बन जाए। उसके बाद मैंने मुकम्मल कैनवस पे ब्लैक कलर फेर दिया, ब्लैक कलर की बेस बना दी पूरे कैनवस पे। फिर मैंने पेस्टल चौक से जो चीज़ मैंने इमेजिन की हुई थी, जो ऑब्जेक्ट, उसे मैंने पेस्टल चौक से बनाना स्टार्ट किया। एंड आई वॉज लविंग वाइल ड्राइंग दैट ऑब्जेक्ट। फिर मैंने खूबसूरत सा रंग बनाया, वो भी रंग भी ऑब्वियसली इमेजिनेशंस में होते हैं, और रंग जो सोचा था उसे मैंने पैलेट नाइफ से अप्लाई किया। आई डिडंट यूज़ ब्रश, आई यूज्ड पैलेट नाइफ टू पेंट दिस पेंटिंग। फिर मैंने उस पर साथ साथ, मैं देखें वीडियो में आप देख रहे हैं, साथ साथ मैं रंग भी बना रहा हूँ, साथ साथ मैं उसी पैलेट नाइफ से उस पर रंग अप्लाई कर रहा हूँ। हर आर्टिस्ट की ये कोशिश होती है कि वो जो पेंटिंग बनाए उसकी इमेजिनेशन मुकम्मल तौर पे, जो भी उसने इमेजिन किया हुआ है वो कैनवस के ऊपर उसी तरह पोर्ट्रे करे, और उसके जो फैंस हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी तो सेटिस्फेक्शन और उनकी पसंदीदगी तो ठीक है, आर्टिस्ट चाहता है, हर कोई आर्टिस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन भी चाह रहा होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे देखने वाले सब मेरी पेंटिंग को पसंद करें, और मैंने हमेशा बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की है। आई ऑलवेज वॉन्ट टू एंटरटेन यू माई स्वीट फ्रेंड्स, दिस इज द पेंटिंग आई हैव पेंटेड फॉर यू, फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर माई फॉलोअर्स, फॉर माई फ्रेंड्स। जी, ये पेंटिंग बन चुकी है, और I was really enjoying while painting this. Daily, you should make a painting every day if you are a student, if you are artist. Ye ji painting aapke samne hazir hai. This is the painting I have painted for you. Thank you so much for watching the video.